हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियाज हेल्दी लाइफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कलौंजी के बीज और इसका तेल दोनों ही हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके बीज खाने के और तेल लगाने और खाने दोनों के ही काम में आता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को हमेशा ही सख्त मना किया है कलौंजी के बीजों को डायरेक्ट हीट करने से, क्योंकि जब आप इन्हें डायरेक्ट हीट करते हैं तो जो इनके पोषक तत्व हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और आपको YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको इसी तरीके से इनका जो तेल है वो एक्सट्रैक्ट करने का तरीका बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि उन्हें कोल्ड प्रेस कलौंजी ऑयल नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको फुल प्रूफ बताऊंगी कि आप घर पे बिना इन्हें डायरेक्ट हीट किए, बिना किसी मशीन के कैसे कलौंजी का तेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो आज के एक्सपेरिमेंट में मैं यूज़ करने वाली हूँ डबल बॉयलर मेथड। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। इसमें एक बड़े बर्तन में हम पानी भर देते हैं और उसे गर्म करते हैं, और जो फ्लेम है वो एकदम स्लो रखते हैं, और उसके अंदर फिर हम उस बर्तन को रखते हैं जिसमें हमें कोई चीज़ गर्म करनी होती है। और ये तरीका कोई नया नहीं है, ये बहुत ही पुराने ज़माने से यूज़ होता आ रहा है। आयुर्वेद में भी ये तरीका बहुत ही प्रचलित है। तो यहाँ मैंने दो ग्लास बीकर्स लिए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गिलास स्टील का या फिर कोई भी स्टील का कटोरा वगैरह यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, हर जो सीड है जिसमें तेल होता है वो या तो वाटर में एक्सट्रैक्ट हो सकता है या फिर ऑयल में एक्सट्रैक्ट हो सकता है। तो दोनों ही तरीके से मैं आपको यहाँ पर इसे करके दिखाऊंगी कि कलौंजी का ऑयल किस में बेहतर निकलेगा। तो एक बीकर में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैं बहुत ही थोड़ा आपको एक्सपेरिमेंट की तरह से दिखाने वाली हूँ। और दूसरे में मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल चूँकि लाइट कलर का होता है तो प्रॉपर इसमें सारा कुछ विजिबल होता है, तो कोकोनट ऑयल को मैंने मेल्ट कर लिया है। और अब मैं डालूंगी दोनों में ही कलौंजी सीड्स। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लगभग एक चम्मच कलौंजी सीड्स पानी वाले ग्लास बीकर में, और एक चम्मच ही मैं डाल रही हूँ कलौंजी सीड्स ऑयल वाले बीकर में। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल मत स्किप करिएगा, हर एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलना है ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। तो यहाँ हमारे दोनों ही बीकर्स रेडी हैं, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना डबल बॉयलर प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ पे एक पैन लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। इतना स्लो रखना है कि जो पानी है उसमें उबाल भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं अपने बीकर्स को रख दे रही हूँ जिससे कि ये डायरेक्ट हीट नहीं होंगे और प्रॉपर सारा जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये तरीका दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, इससे आपकी कलौंजी के कोई भी पोषक तत्व तो नष्ट नहीं होंगे। तो एक तरफ मैंने फॉइल के ऊपर ओ लिख दिया है यानी कि ऑयल, और दूसरे में मैंने वाटर लिख दिया है। और इन्हें दोस्तों हमें लगभग आधे घंटे के लिए कम से कम इसमें रखना है। तो हमारा आधा घंटा हो गया है और हमने इन्हें निकाल लिया है डबल बॉयलर से। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखते ही पहचान गए होंगे कि हमारा जो कलौंजी का ऑयल है वो किस में एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो हर एक चीज़ है वो आपकी ऑयल में ही एक्सट्रैक्ट नहीं होती है, जो कलौंजी है वो आपकी वाटर में होती है। आप देख सकते हैं दोनों में कलर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह डबल बॉयलर मेथड का यूज़ करके पानी में कलौंजी ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन पे, अपने बालों पे, यहाँ तक कि आप दवा के रूप में इसे पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कैसे इसे खाना चाहिए इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जा कर के उसे चेक कर सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी दे दिया है। तो आई होप गाइस, आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।